सो फर्स्टली सुमित, वेलकम टू IWM थैंक यू सो मच बस। राधे 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 राधे। सो सुमित, राधा कृष्णा ने 600 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं रिसेंटली, एंड कैसा रहा है ये 2 साल का वर्क? मोस्टली इट विल कंप्लीट 3 ईयर सून। सो कैसा चल रहा है राधा कृष्णा की जर्नी, और कितना कुछ चेंज आपने पर्सनली अपने आप में लाया है इस जर्नी के दौरान? एक्चुअली मैंने लाया नहीं है, जो आई एम नेचुरली आई फील बाय पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर एवरी सिंगल डे. आई डोंट नो, जस्ट मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा पहले से शांत फील होता है, थोड़ा क्लियर फील होता है. आई थिंक सो आई कैन टैकल द प्रॉब्लम्स इन अ लिटिल बेटर वे इन टुडेज डे. एंड आई लर्न सिंपल थिंग्स दैट यू नो प्रॉब्लम्स विल स्टे ऑलवेज. इट्स अबाउट हाउ यू टैकल देम एवरी सिंगल डे. It's not like you tackled a problem once and it will never come back, or you're done with the problem, so your life will be problem free. So it'll always come in every new phase. It will come. Hamesha nahi nahi problems aayenge alag alag tarike se. And you have to tackle it, solve it in the best way possible. That's what life is. So ek choti moti cheez aise seekhte rehta hu. You know, it's a great privilege for me to portray such character jisme daily basis pe wo wisdom milta hai jisse life aapki aur behtar banti hai. I think so. It's one of the best things that happened to me or that will happen to me pure life mein. Mujhe lagta hai ki sabse best phase mera ye hoga jahan pe ये कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे कर. तो मैं नो, जैसे कि ऑडियंस के दिलों में आप बस चुके गए हो। जब भी कृष्णा का नाम आता है तो सबसे पहला आपका किरदार, आपका चेहरा आता है। इतना सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, इतना सारे अप्रिशिएशन मिल रहा है। हाउ यू टेक ऑल दिस थिंग टुगेदर? आई थिंक सो आई ट्राई टू हैव ग्रेटिट्यूड एज मच एज आई कैन. बस दिल से थैंक्स बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भले ही आज के डेट में सब लोग मुझे ये किरदार निभाते हुए देखें, कितना भी प्यार क्यों ना करें, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या हूँ एग्जैक्टली. सो मुझे पता है ये बस प्यार है लोगों का, तो और ये बस ब्लेसिंग है, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग है, श्री राधा की ब्लेसिंग है. तो मेरे लिए मैं जानता हूँ कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी एक्टर हु इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे with his best abilities and he is getting all this love in return. So main bas thanks kehta hu jitna ho sake apne side se. Aur wo jab main thanks kehta hu, so I know ki ye aise nahi mila. I know that this is because of something I did. So I remember that ki you have to keep working hard, you have to do something new, you have to do something creative and you have to stay humble always. So you know, ye cheez mujhe bahut hamesha grounded rakhne ki koshish karti hai. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सडनली इतना सब ये हो जाना, इंसान बदल जाता है. मैं भी कहीं अंदर ही अंदर, यू नो, यू हैव योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलवेज, यू हैव टू फाइट योर इनर बैटल्स ऑलवेज. सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ एज बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन. सो सुमित, उमरगांव में भी एक यू नो फैमिली बन चुकी है, जहाँ सब एक साथ रहते हैं, सभी स्टारकास्ट एक साथ रहते हैं. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम विथ योर ऑन सेट फैमिली ऑल्सो. सो कैसा है वो फैमिली का बॉन्ड, न्यू फैमिली का बॉन्ड? यू नो कितनी सारे मस्तियां होती है ऑफ स्क्रीन, बिकॉज आए दिन हम देखते हैं आप लोग के वीडियोस डालते रहते हैं. टू एड्रेस दैट एज वेल, आई थिंक सो, यू नो, पीपल टेक इट इन 1000 डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देम, यू नो, बट दैट्स हाउ इट इज. यू नो, सोशल मीडिया और यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म विल जस्ट शो यू माइन्यूट क्लिप ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, राइट? पर एक होता है कि आई थिंक सो इट कम्स विद टाइम, इट कम्स विद फेम, दैट यू नो आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, मैं किधर भी बैठा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बैठा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, चुप बैठा हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, तो लोग रिकॉर्ड करते हैं एंड दे अपलोड इट. सो बीच में ऐसे ही अभी क्या होता है कि कभी कुछ सेलिब्रेशन टाइम पास वगैरह कर रहे होते हैं तो कोई ऐसे ही यूट्यूब पे डाल रहा होता है कुछ, तो मैं ऐसे ही उनको छेड़ता हूँ जाके, ए क्या यूट्यूब, क्योंकि सब हम बैठते हैं, कभी देखते हैं ऐसे बैठते हैं और बताओ क्या चल रहा है. हाँ, बोल वो जोक वापस, बोल वापस, बोल वो जोक वापस, मेरे को रिकॉर्ड कर. बोल देखिए, सुन तो सही, जोक पे हंस तो सही है. तो आई थिंक समटाइम्स वी शुड लिव इन द मोमेंट. तो मैंने ऐसे ही कैमरा को बोल दिया. ओह, मुझे लगा मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, जहाँ देखो वहाँ यूट्यूब बनाते रहते हैं. सो ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, पता नहीं कौन यूट्यूब पे
यू नो ये सब चीजें डाल देगा. यस सो फैंस को उस चीज का बहुत बुरा लगा. राधा कृष्णा के नो हैशटैग डालो तो बहुत सारे बीटीएस आ जाते हैं, नो समवन इज शूटिंग या स्मॉल या सम आर्टिस्ट आर सो डूइंग. या टू कंप्लीट दैट, मेनी ऑफ द फैंस फेल्ट बैड दैट दे आर यू नो मे बी हर्टिंग अस. नो इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट अबाउट दैट. It's just about the fact that maybe this is what even I'm realizing and facing as an actor, first time in my life, that you know everything that I do in life is something people are interested in. You know, ये पहले नहीं था. हाँ. ये पहले नहीं था. So आज के date में है. So I take it as a plus that you know, okay, maybe that's how life is changing. Maybe how that's how life is growing. So I take it positively, and to all my fans who feel bad about it, don't feel bad about it. It's completely okay. I know how much you guys love me. I know how much you guys want me to interact with you, and I know that how busy or mentally and physically occupied I am in my life. There are also people who assume anything. They assume anything and they post anything or kuch bhi story banate hain. उनको भी कहना चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो लाइफ में भाई, तुम्हें सही लगे. अभी मुझे मैटर नहीं करता है कि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि यार मैं अगर दिन के 12 घंटों में से अगर 1 घंटा 2 घंटा इसमें डालूंगा देखने के लिए कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है और किसकी स्टोरी गलत है, तो एक तो है पेज में नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बुरा लगेगा फिर मुझे उसके लिए. पर कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी मैं मेरा मन करता है क्या पागल हो गया क्या तू, मैं नहीं करता हूँ फिर भी. But this is what is happening. You know, I understand it. Fans want to know what's happening in Suman's life or anybody they love in their life. Fans really want to know that. I understand that. I have no issues with that. But there are people who, you know, misguide the fans. Yeah. Who, you know, kuch bhi story idhar udhar ki. बना के जैसे मराठी में मराठी में बोलते हैं पालीचा सरडा करून सांगितला, मतलब यू गॉट गॉट माय पॉइंट राइट. तो वो सब चीजें होती हैं एंड इट्स लाइक डेली रूटीन, ये कुछ ना कुछ कुछ तो कुछ ये बना के अरे क्या हो रहा है. सो इनिशियली वी फेल्ट बैड, देन वी गॉट यूज्ड टू इट, नाउ वी एंजॉय इट. क्या अच्छा ये स्टोरी बनी, अच्छा अच्छा ये स्टोरी बना रहा है, ठीक है कोई बात नहीं. आई नो दैट यू नो बाय द एंड ऑफ द डे आफ्टर 12 आवर्स ऑफ शूट I have to take care of my family as well, my health as well, my own people as well, my friends as well, my mental peace as well. So I cannot get into it. But yes, to all those fans who are who go an extra mile to understand me and they give 100%, they support me wherever they can. I have lots of love and respect for you guys. Thank you so much for being there. And you guys are the reason why I'm here. I'm working hard. Why even you are taking my interview. Just because people want to know about all these things, people love us. So yes, we are grateful for that. Thank you so much. And to all other people who are posting whatnot, I don't know what they are assuming, what stories they are making. But yes, I'd like to say it's not really easy from our part to accept all of that. But yes, we do it because we have no other option. If we just have to stay sane and we have to stay peaceful and we have to work harder and harder. But I just request you guys that, you know, before spreading anything that you get in your hands or whatever you hear or aadhi baat bhi sunke aap agar kuch so don't do it, because maybe it's somebody's personal life out there, maybe the person is strong enough to deal with everything but people around him are maybe not, maybe they are sensitive. So I hope ki kuch log is cheez ko thoda seriously samjhe aur definitely kuch log honge jo nahi samajh payenge, to main uske liye ready rahunga. ओके सो सुमित, जैसे कि आपने बोला कि नो लॉस ऑफ थिंग बहुत छोटी छोटी माइनर चीज को लेकर लोग पोस्ट करते हैं. सो मोस्ट ऑफ टाइम हम ये भी देखते हैं कि सुमित के लाइफस्टाइल से लेकर सुमित के यू नो रिलेशनशिप के बारे में भी पोस्ट किया जाता है. सो हाउ योर फैमिली रिएक्ट ऑन दिस, यू नो वो आपको पूछते हैं ऐसा है कुछ नहीं है, मतलब ऐसा की बात क्या, ऐसा तो कुछ मैं जिंदगी में गलत तो नहीं कर रहा हूँ, दैट माय फैमिली नोज. Yeah. Okay, and there's a reason behind everything and whatever's happening, right? Abhi cheeze kya hoti hai na ki mom dad meri family har ek cheez understand karti hai. They understand how fame works, they understand how Sumit is, they understand what it took for him to
reach wherever he is and what are his dreams ahead of this. Mm-hmm. So definitely I'm grateful for whatever, wherever I am today, but I definitely want to go a lot more higher. I dream for a lot more and I have to work hard and that's the only way. So they know, they get bothered, but by the end of the day, what they do is that, you know, they choose, they go an extra mile to understand me, to see what Sumit actually seeks, what he actually needs, and they provide me with that. So I really feel happy, and I know that me, as a human being, I never want to let them down. So they know that Sumit ki intention ye hai, wo kabhi let down nahi karna chahte, kabhi galat cheezon mein nahi padhna chah rahe. He is just living his life, being the best version of himself. He's trying to be the best version of himself. So why should we complicate his life, his schedule, when he's giving in and out day and night? So they are always supportive. They're always lovable. So, and there's nothing wrong that I'm doing in my life. They don't feel bad about anything at all. They know that it's how people work. It's how they, sometimes they get affected. Yeah. कुछ भी पोस्ट करते हैं, बट देन दे रियलाइज दैट इट्स जस्ट अबाउट पीपल हु आर पोस्टिंग, इट्स नॉट अबाउट देयर सेल्फ. सो आई थिंक सो ये उनकी भी जर्नी है साइड बाय साइड, बिकॉज़ दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट मी एंड सम पीपल वोंट अंडरस्टैंड दैट. सो ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं आप बोलो कि भाई कॉम्प्लिकेटेड करते हो, मत करो, करो, करना है करो. अगर आपको लगता है कि थोड़ी हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करनी है तो करो, हम क्या कह सकते हैं. ना करोगे तो और अच्छा लगेगा, बस इतना कहूंगा. Okay, so how is born with a Siddharth sir, Siddharth Tiwari sir, you know, has a mentor for you? Because जैसे कि मैंने बहुत सारे interviews आपके लिए और आप हमेशा कहते आ रहे कि उन्होंने आपको बहुत help किया है for from starting of the shows. So कैसा born बनते जा रहा है उनके साथ, कितना strong होते जा रहा है? I think so. Siddharth sir जैसा मैंने किसी को देखा नहीं आज तक. Siddharth sir, मैं अभी I'm 24. He is more playful than me. Okay? मुझसे ज़्यादा playful वो है, मुझसे ज़्यादा happening वो है. You know, he lives life. He actually means उनके हाथ पे, मतलब वो मानते हैं, you know, one life. There's just one life and you should live it. So he lives his one life like in the best way possible. He works so hard, like एक ही life है, so जितना hard work करना है इसी life में करना. He balances everything out in the simplest way possible. He inspires. He has a vision that's very, 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 I don't know, unmatchable. Yeah. You know, nobody else could have thought कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है. Like मुझे लेके, मैं अपना experience बताऊँ तो किसी ने सोचा नहीं कि इसको कृष्ण देना चाहिए. कृष्ण का character के लिए सुमित even he is even eligible. Nobody believed that. And including myself, I never believed that I can ever play that. I just knew that I can give 110%. But I had a doubt. I had self-doubt. I thought that I'll never be able to do it. Yeah. So, SKT, Siddharth sir, unko pyar se sab SKT bulate hain. So, SKT always felt that I can do it. And I don't know how. So, that's his vision, which is really great. And I think so, he's always stepping a ladder, you know, upar hi jaate hain. And he's just doing something better than what he did yesterday. And the passion he has, the wisdom he has, the understanding he has is something. Uske to main bahut bada fan ho gaya unke in sab qualities ka. To main baithta hu kabhi baat karta hu aur seekhta hu bahut sari cheeze unse, jab bhi possible hota hai. So Sumit, finally, any message for the audience who are still loving you and your show Radha Krishna, and they keep sending you the messages and all? Yeah, like I'm very glad, very happy that I got all these things from you guys, all this love, support. Keeping all the pros and cons aside, just know that ki main aaj ki rate mein jo hu, aap logon ki wajah se hu. Thank you so much for all your love, all your blessings, everything that you guys have showered on me. And just know that aap logon ki wajah se hi main aaj ki rate mein jahan hu, wahan hu. So thank you so much for everything. मेरी तरफ से ही नहीं, पूरी टीम की तरफ से. हम लोग कुछ नहीं है आप लोगों के बिना. आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाते रहिए. डेफिनेटली आई ऑल्सो प्रे कि श्री कृष्ण श्री राधा हम पर ऐसे ही आशीर्वाद बरसाए. हम ऐसे ही मेहनत करना चाहते हैं. लाइक वी डोंट वांट टू
hurt anyone. We don't want to disappoint anyone. We just want to make as many people as we can happy. We want them to feel good by watching us. That's all that we need, and that's all that we always try to do. So, I thank you so much for giving your precious time, and all the best for the future. Best of luck. Thank you so much. Thank you.